फेरी मेडोज गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला डियामिर में वाक़िया है। नॉर्मली यहाँ के लिए अक्सर लोग समर सीज़न का इंतखाब करते हैं, लेकिन हम लोगों ने करना था कुछ डिफरेंट, तो हम लोगों ने विंटर सीज़न का इंतखाब किया और 10 जनवरी 2021 की सुबह 4 बजे इस्लामाबाद से चिलास के लिए हमारा डिपार्चर हुआ। सुबह 8 बजे के करीब हम लोग बिशाम पहुंचे और वहां पर हम लोगों ने बिशाम कॉन्टिनेंटल होटल पर ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप किया। इस दिन बिशाम में तेज़ हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि अपना ब्रेकफास्ट जल्दी निपटाकर हम लोग यहां से निकल चलते हैं। कराकोरम हाईवे पर इंडस रिवर के साथ सफ़र करते हुए हमने अपना अगला स्टॉप दासू के बाद समर नाला पे किया, जहां पर हम लोगों ने चाय ली और देन उसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा टूवर्ड्स चिलास। शाम 5 बजे हम लोग चिलास पहुँचे। थोड़ी देर चिलास शहर में रुकने के बाद हम लोग होटल की तरफ निकले, जो कि चिलास शहर से 20 किलोमीटर आगे था। खाना खाने के बाद हम अपने अपने रूम्स में जल्दी चले गए, क्योंकि हमें अगली सुबह जल्दी निकलकर फेरी मेडोज के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट करना था और शाम होने से पहले फेरी मेडोज पहुँचना था। जनवरी की सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग रायकोट ब्रिज पे पहुंच गए और वहां से हम लोगों ने अपनी जीप ली और फेरी मेडोज के लिए अपना सफर स्टार्ट कर दिया। लैंडस्लाइड की वजह से जीप ट्रैक ब्लॉक था, तो हमें अपनी जीप्स को छोड़कर वॉक करना पड़ी। 45 मिनट के पैदल सफ़र के बाद हम लोगों को दूसरी जीप मिली, जिन्होंने हमें तातू विलेज में ड्रॉप किया।
दातू विलेज पहुंचने पर हमारी जीप्स ने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तैयारी करने और अपने बैग्स पोर्टर के हवाले करने के बाद हम लोगों ने अपने ट्रैक का स्टार्ट यहाँ से लिया। ये हमारा ट्रैक फेरी मेडोज का यहाँ से स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये जीप्स पीछे खड़ी हुई हैं, इन्होंने जीप्स ने हमें ड्रॉप कर दिया है और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग हमारे यहाँ के निकल गए हुए ट्रैक पे, वो जा रहे हैं और बस मैं सबसे एंड पे हूँ। सबकी क्लोजिंग करवा कर बैग्स वगैरह पोर्टर्स वगैरह को देकर और जीप्स को अल्लाह हाफिज़ कहकर तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अब इंशाल्लाह, और ऊपर हमें लग जाएंगे 4 घंटे। फेरी मेडोज पहुंचने में अभी भी स्टिल 1.5 घंटा बाकी है। मिड पॉइंट हम लोगों ने क्रॉस कर लिया हुआ है। शदीद सर्दी शुरू हो गई है चूँकि सूरज ढल चुका हुआ है और तकरीबन टाइम हो चुका हुआ है 4 बजे का।